मुंबई हाईवे है तो अहमदाबाद से हम यहाँ पर कुछ लेफ्ट एक रोड है वो लेंगे जो हमें गुलबर्गिया तक ले जाएगा। वाइपर तो फुल स्पीड पे चला लेंगे फिर भी ग्लास कोई इतना साफ नहीं हो रहा है, रास्ता दिख नहीं रहा। गुलबर्गिया की कहानी के बाद सिर्फ हिल हिल्स हिल रहा है लेकिन मूव बिल्कुल भी नहीं हो रहा अपनी जगह। बस कपास की गालिबन ये फसल लग रही है और ये देखिए कपास तो एक नई ट्रिप की आज शुरुआत हम कर रहे हैं, रोड ट्रिप करेंगे लगभग 550-600 किलोमीटर कुछ होगा ये और हम इस वक्त जा रहे हैं कर्नाटका। तो यहाँ से हम जाएंगे गुलबर्गा, गुलबर्गा से हम वापसी में दूसरी रोड लेकर आएंगे और थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे और आप साथ में आपको भी बताएंगे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में। और इस वक्त हम ORR पे हैं और यहाँ से पटनचेरी पर हम एग्ज़िट करेंगे। यहाँ पर एक चाय पीएंगे हम और फिर उसके बाद अपना सफर जारी रखेंगे। चाय तो कुछ खास रही नहीं बट काम तो चल गया लेकिन अभी हम वापस अपना सफर दोबारा जारी रखेंगे। अभी तो आज सितंबर की 30 तारीख है और गर्मी का हाल ये है कि पसीने उभर रहे हैं तो हमारे हाथ में क्या कहेंगे इस बारे में तो ये यहाँ पर नमाज रूम वगैरह कुछ है मस्जिद है पता नहीं बट यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वज़ू खाने बनाए हैं तो माशाल्लाह यहाँ पर वज़ू वगैरह भी हो गया। अब पढ़ते हैं नमाज हॉल रोड्स वगैरह रखे हैं उन्होंने टर्की डक्स तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई और यहाँ पर भी एक वज़ू खाना छोटा सा बनाया हुआ है इन्होंने और अंदर का तो आप देख चुके हैं छोटा सा रूम है लेकिन काफ़ी है मुसाफिरों के लिए। नहीं यहाँ की लाल मिट्टी ज़्यादातर तो पूरा रास्ता यहाँ पर लाल मिट्टी नज़र आएगी। यहाँ पर हम इंशाल्लाह लंच करेंगे अभी खुली जगह है देखने ऑप्शन क्या है यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर भूख तो किसी को भी नहीं है ज़बरदस्ती मेरी ज़रूरत से अगर बैठ गया है सब अभी एग और चिकन शेज़वान फ्राइड राइस ऑर्डर किया है लस्सी कैसा फिलहाल सफर में है और शेज़वान फ्राइड राइस ऑर्डर तो कर दिए अब देखना ये कितना भारी पड़ता है। शेज़वान एग एंड चिकन फ्राइड राइस में आ चुका हल्का सा स्पाइसी तो जरूर है फिलहाल जो हल्का सा स्पाइसी था वो हल्का ही रहा थोड़ा चावल तो फिनिश हो गया और अभी चाय ऑर्डर किए चाय पीने के बाद फिर से हम अपना सफर यहाँ पर मस्जिद नज़र आई है और इंशाल्लाह मग़रिब की यहाँ पर आ जाएंगे।
है तो मगरिब हो चुकी और इसी के साथ सफर सफर का दोबारा हम आगाज करेंगे। हम कर्नाटका में दाखिल हो चुके हैं, ये अहमदाबाद है, यहाँ से ये वैसे मुंबई हाईवे है, तो अहमदाबाद से हम यहाँ पर कुछ लेफ्ट एक रोड है वो लेंगे जो हमें गुलबर्गिया तक ले जाएगी। ये आ गए हैं कलबुर्गी रोड, गुलबर्गा रोड है, यहाँ से हम लेफ्ट हैं और अभी हम गुलबर्गी पहुँचे भी नहीं, करीब हैं और देर की बारिश शुरू हुई और ज़बरदस्त समा बना हुआ है। फिलहाल वाइपर तो फुल स्पीड पे चल रहा है लेकिन फिर भी ग्लास कोई इतना साफ नहीं हो रहा है और रास्ता दिख नहीं रहा है। और दूसरा मसला ये भी है कि मेरे को नहीं मालूम यहाँ पर मैनहोल्स कहाँ पर है इस रोड पर, तो सामने एक गाड़ी जा रही है उसी को फॉलो कर रहा हूँ, तो होपफुली अब जाकर बारिश कुछ कम हुई है। तो गुलबर्गा हम पहुंच चुके हैं और बारिश बस कुछ देर पहले ही रुकी है, तो अभी तो आराम करेंगे, कल सुबह वापस अपना सफ़र जारी रखेंगे। कुछ इलाके हैं यानी कि कर्नाटक के जो हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल सुबह हो चुकी, ठंडी फ्रेश हवा और सड़कें सुनसान, ये बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह। मेरे हर सुबह सुबह तहारी के लिए रुके हैं तो ये मंजर है, काफ़ी क्राउड है इस वक्त और हम थोड़ा वेट करते हैं टेबल क्लियर होने का। बस गुलबर्गी की तहारी के बाद टेबल खासियत है, मेरे ख्याल तहरी तो होगी हमारी सुबह सुबह और बेहतरीन मज़ेदार थी। एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा कि तहरी का कलर देखकर ये ना समझिए कि ये बहुत स्पाइसी होगी, ये सिर्फ कलर होता है लेकिन स्पाइसी नहीं होती ज़्यादा, ये आप इंशाल्लाह इंजॉय ज़रूर करें। तो अब हमारा गुलबर्गी का स्टे ख़त्म हो गया और अब यहाँ से हम वापस हैदराबाद की तरफ रवाना होंगे और इस बार रास्ता तब्दील करेंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे। सुना है ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, कुछ जो ये जो ग्रीनरी है आई होप कि आज से 10-15-20 साल बाद ही बरकरार रहेगी, डेवलपमेंट के नाम पे इसको काटा नहीं जाएगा। तो ये एक मसला है हमारे पास इंडिया में, जो ट्रैफिक लेफ्ट को जाने वाली होती है उसको ब्लॉक करके ठहर जाते हैं, अब ये सामने वाली गाड़ी को भी लेफ्ट पे जाना है और वो जो बस है RTC की वो बिल्कुल बीच में आके ठहरा के दिया, अब इसकी वजह से हम लोग लेफ्ट जा ही नहीं सकते, तो ये थोड़ा अवेयरनेस की कमी है हमारे पास। यहाँ पर चेंज ऑफ ड्राइवर्स, अभी मैं ड्राइविंग सीट के बजाय बाजू आकर बैठूंगा तो ताकि थोड़ा रिकॉर्डिंग पर फोकस कर सकूं। अभी देखना ये है कि मेरे पीछे वाले सब लोग सांस रोक के बैठ जाएंगे अभी ड्राइविंग सीट पर, और अब हम ये खूबसूरती को एक्सप्लोर करेंगे। एक स्टेडियम यहाँ पर नज़र आया है तो वो हम थोड़ा देखते हैं ये क्या सीन है। वो स्टेडियम रेस लगेगी फुटबॉल का भी, क्या इंतजाम।
पिच लग रही है क्रिकेट की स्टंप्स, और ये रही पिच। अब चैलेंज ये है इसको कौन हिला पाएगा रोलर को, चैलेंज रोलर को हिलाने का है। छोटे बचपन में खेला था ना इससे, क्या हिल तो रहा है लेकिन मूव नहीं हो रहा पीजी के पैसे को, सिर्फ हिल 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 रहा है लेकिन मूव बिल्कुल भी नहीं हो रहा पीजी के पैसे। यार बोलता चलो भाई, भूख लग रही है चलो बोलता हूँ। टाइम पास हो गया स्टेडियम में और वापस सब गए रास्ते पर। थोड़ा रुकेंगे हम, खेत खलियान काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर, यहाँ थोड़ा कुछ फोटोग्राफी करते हैं, कुछ वीडियोस लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जहाँ तक देखो खेत ही खेत है, कपास की गालिबन ये फसल लग रही है। और ये देखिए कपास, टमाटे, कपास कपास खूबसूरती खुदा के नसी नज़ारों का आप भी मज़ा लीजिए, हम भी कुछ मज़ा लेते हैं और फिर इसके बाद में हम अपने सफ़र को दोबारा जारी रखते हैं। ये देखिए एक कैनाल या रिवर कुछ नजर आया है, तो आइए वो देखते हैं अभी।